तमिलनाडु जोन में ईश्वरी सेवाओं के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर के रामचंद्रन, संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, सूचना निदेशक बीके करुणा भाई, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई, प्रशासक प्रभाग के अध्यक्ष एवं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, अध्यार सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मुथुमणि समेत पूरे जोन के वरिष्ठ बीके बहने उपस्थित रहे और कार्यक्रम का आगाज किया। उद्घाटन के पश्चात बीके बीना दीदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्था का परिचय देते हुए तमिलनाडु जोन में 50 सालों में हुई ईश्वरी सेवाओं की जानकारी विस्तार से दी। इसके बाद मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने खुशी के इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इसी कार्यक्रम के शाम के सेशन में तमिलनाडु सरकार में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, स्कूली शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पोयामोझी, युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री सीवावी मैयानाथन, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मलेशिया के निदेशिका बीके मीरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी ऐश्वर्या समेत कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई और अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अगले दिन आयोजित हुए कार्यक्रमों में सुबह के सत्र में तमिलनाडु सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री एल मुरुगन, हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी, मैसूर सबजोन प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी, बेंगलुरु में कुमारा पार्क सबजोन की प्रभारी बीके सरोजा, बेंगलुरु सेंटर सबजोन प्रभारी बीके लीला, कोची सबजोन प्रभारी बीके राधा, मुंबई के गाम देवी सेवा केंद्र की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके आशा दीदी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसी दिन शाम के सत्र में तेलंगाना के राज्यपाल महामहिम तमिलीसाई सुंदरराजन, विधायक के सेल्वा पेरुंथा गई, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई बुद्धिजीवी लोग इस जश्न में शामिल हुए। இறைவனிடம் ஐக்கியமாகிறது, இறைவனும் அதை முழுவதுமாக எடுத்துக்கிறது.